करना है एक बार रिंस करना है नो यू कैन टेक दैट ओके टेक दैट ग्लास टेक वन सिप ऑफ वाटर ओके ओनली वन सिप नॉट मोर देन दैट ओके वेरी नाइस पीना नहीं है बच्चा मगर आपको पानी वेरी गुड देखो दर्द हुआ नहीं आधा टूथ क्लीन हो गया आपका अभी थोड़ा ही रह गया ओके चलेगा करें हम थोड़ा सा वेरी नाइस हम पूरा क्लीन कर देंगे ना फिर आप खाने में थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा ओके बड़ा सा करना है बच्चा मगर वेरी गुड गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू माई चैनल आभा के ब्लॉग। अभी हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं क्योंकि आरसी के टीथ में प्रॉब्लम हो रही थी, उसको जो मसूड़ा है वहाँ से पस आ रहा था और ये जो पस वाली प्रॉब्लम है वो मुझे भी आरसी दोनों को एक साथ ही हो रही है। और मेरा तो अभी जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया है ब्लॉग में कि मुझे सीजेरियन के पास स्वेलिंग हो गई थी, पस हो रहा था, तो उसका तो अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी बैंडेज करवा के आ रही हूँ। तो अभी दो बार और जाना है, एक आज तो 17 तारीख का था अपॉइंटमेंट, फिर है 19 का, फिर 21 का। एकदम परेशान हो चुके हैं इस टाइम तो, पूरा महीने मेरा तबीयत खराब होके ही बीता है। तो अभी हॉस्पिटल से आए हैं, आसी का भी जो है रूट कैनाल कर रहे हैं, डॉक्टर बोले रूट कैनाल करवाना ज़रूरी है क्योंकि जो गम जो हमारे जो आसी के टीथ के जो पास मसूड़ा है वहाँ पर हमेशा पस आ रहा है, तो इस वजह से उसको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने उन्होंने बोला था जाके जूस पीना, तो आसी अभी जूस पी रही है। आसी को बहुत पेन फील हो रहा था, आसी पेन हो रहा था कि नहीं, क्या करें, ये टीथ की जो प्रॉब्लम होती है ना बच्चों की, एक तो मानते नहीं है, खाने से टॉफी चॉकलेट्स खाएंगे और ऊपर से हो जाए तो करवाते नहीं। तो अच्छा है कि टीथ के डॉक्टर जो हैं वो किड्स के डॉक्टर हैं, तो बहुत अच्छे से किया उन्होंने। लास्ट टाइम जब हम किए करवाए थे इसका तो वो बड़ों के डॉक्टर थे, तो उन्होंने अच्छे से नहीं किया था, जैसा कि मतलब बड़ों का होता है पेन हो के करते हैं डॉक्टर्स, वैसे किया था। तो बच्चे पेन नहीं सहन कर पाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, बट फाइनली अभी आज हो गया है, फिर दो अपॉइंटमेंट और होगी, उन्होंने कहा 3 टर्म आना पड़ेगा, तो आज एक हो गया है, दो बार और जाना पड़ेगा, तो अपॉइंटमेंट लेंगे। अभी मुझे खाना बनाने में लेट हो रहा है क्योंकि मैंने सब्जी और रोटी बनाई थी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, अभी सब्जी रखी है तो जा रही हूँ राइस बनाने, क्योंकि आसी का आज फेवरेट सब्जी बना है। क्या चीज़ की सब्जी है आसी? न्यूट्रिला। आसी को बहुत पसंद है न्यूट्रिला, तो न्यूट्रिला बना दिया। अभी जा रही हूँ राइस बनाने के लिए और आसी के पापा कुछ तो खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? स्वीट खाते होंगे पक्का? यस, उनको स्वीट से बहुत प्यार है। अब मुझे तो स्वीट मना किया है डॉक्टर ने, क्योंकि अभी बोला कि आपका जो बैंडेज कर रहे हैं जहाँ पर वहाँ पर आप स्वीट ना खाओ, क्योंकि शुगर तो नहीं है मेरे को, डायबिटीज नहीं है, बट उन्होंने मना किया है कि जल्दी सूखने के लिए आप स्वीट अभी बंद कर दो, तो नहीं खाऊंगी स्वीट। अभी चाय में भी थोड़ा कम ही शुगर लूँगी क्योंकि डॉक्टर बोले हैं। और मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ, पूरा ये महीना जो गया है मेरा जुलाई का बहुत बेकार गया है, बस तबीयत ख़राब में ही गया है। उधर भी मुझे पेन इतना अधिक हो रहा था, अभी फिर से ये जो है झमेला, हर बार एक दिन बीच करके मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। अभी मैं सूर्या ही से आ रही हूँ, सूर्या गई थी फर्स्ट सुबह मॉर्निंग में, हम 10 बजे निकले हैं, 10:30 बजे का अपॉइंटमेंट था, 10:30 बजे सूर्या का, वहाँ गए हैं, डॉक्टर आई है राउंड वाउंड करके 11 बजे, फिर उसने देखा है, फिर हमने अपॉइंटमेंट लिया था यहाँ टीथ के डॉक्टर से, फिर उनके पास गए हैं। हम 10 बजे का निकले हुए, 1 बजे आ रहे हैं अभी, और 1 बजे आशी के पापा का भी ऑफिस का भी टाइम हो गया है, उनका 12 बजे से रहता है, वो भी लेट हो रहे हैं बेचारे, अभी बर्तन धो रहे हैं क्योंकि अभी मुझे मना है थोड़ा काम करने से, तो हेल्प कर रहे हैं। तब से मैं जाती हूँ चावल बनाती हूँ, तो मिलते हैं कुछ देर में, ब्लॉग में बने रहिएगा। क्या हाल हो गया बेटी का से? मेरा हाल हो गया खून। बुरा हाल हो गया? अभी वो स्माइल कर रहा था आई मुख पे ना, मैं देख रहा था तुम्हारे टीथ को, उसने बोला मैं अभी अदर आई मुख पे से बोला कि तो बोलता नहीं है पापा से आसी। E R F O N A F L O W E R S.
सांसें ही तो नहीं आया हमने। वो तो मैं बोल रहा था जिसको हटाने को, मैं तो बोल रही थी लिखने के लिए। रावत ने तो आपने लिखा फिर हटा क्यों दिए? तो तुम्हें अच्छा हटाती नहीं। एल अब ना होगा तो हो जाएगा। फ्लावर्स नेम, डू यू नो फ्लावर्स नेम? ओके प्लीज राइट। एल इज हैंड राइटिंग अच्छे से बनाना। ओके नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। आज सुबह से ही बारिश हो रही है और ये कपड़े आधे सूखे कपड़े हैं, आधे गीले कपड़े हैं। सुबह से ही बारिश हो रही है, बारिश देखो ये भी गीले कपड़े हैं। क्या करूं मैं गीले कपड़ों का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आधे सूख रहे हैं, आधे गीले रह रहे हैं। इधर जो हैवी है उसका पॉकेट गीला है, अभी ये गीला लग रहा है, ये भी गीला लग रहा है। तो मैं बोल रही थी आज सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश में ही हम हॉस्पिटल भी गए, हॉस्पिटल से आए, और इस बारिश में बहुत ध्यान देने की जरूरत है, खासकर अपने तबीयत की। तो आप भी अपना ध्यान रखिए, जहाँ पर रहिए सुरक्षित रहिए और बारिश में ज्यादा मत जाइए। अगर जरूरत हो तभी बाहर निकलिए, खासकर बच्चों को ज्यादा बारिश में जाने मत दीजिए। स्कूल ठीक है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, बट ज्यादा खेलने मत दीजिए क्योंकि ये बारिश बहुत नुकसानदायक है। और कभी भी अपनी तबीयत को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मुझे अपने इससे पता चल रहा है कि मुझे जब हल्का हल्का स्वेलिंग हुआ था ना, जहाँ सीजर के पास जो मुझे प्रॉब्लम हुई है वहां पर हल्का मुझे स्वेलिंग जब हुआ था तभी मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, बट मैंने अवॉइड कर दिया। मैंने क्रीम लगाया और जो पेन किलर होता है वो लिया, तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। आखिर में वो बढ़ गया, आज मुझे कितना झेलना पड़ रहा है, डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ रहा। तो आप ये गलती कभी मत करिए, अगर कुछ हो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ऐसे तो टाइम भी वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है, वो अलग। तो बेटर यही है कि आप जब भी तबीयत खराब हो प्लीज आप डॉक्टर के पास जाइए, और खासकर इस बारिश में तो तबीयत कुछ ना कुछ किसी ना किसी का लगा ही रहता है, कभी बुखार आना, सर्दी, जुखाम, खांसी। अभी तो हम लोग को ये सब नहीं हुआ है, बट जो क्रिटिकल है वो अभी सिचुएशन हमारा चल रहा, महीनों से परेशान है, पता नहीं कब तक ये हमारा चलने वाला है। ये पूरा जुलाई का जुलाई का जो महीना है ना, ये पूरा हमारा ऐसे ही गया है तबीयत खराब में। हम बनारस गए हैं, बनारस से आए हैं, आने के 8 दिन के बाद से जो तबीयत खराब स्टार्ट हुआ, आशी का मेरा इसकी टिथ की प्रॉब्लम और मेरी सिजेरियन जो प्रॉब्लम है, जो थी प्रॉब्लम है भी और जो थी भी वो भी अभी चली आ रही है, अभी तक तो प्रॉपर ठीक हुआ नहीं है। पेन तो नहीं हो रहा है उसमें, बट जब वो बैंडेज करती हैं, ड्रेसिंग करती हैं, तब मुझे पेन होता है। अभी अभी वो पूरी तरह से सूखा नहीं है वहां पर, अभी बैंडेज बोला है कि अभी 19 को जाना है और 19 जुलाई और 21 जुलाई 2 दिन बुलाया है, अगर इसके बाद भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा टफ है। हाँ मेरी बेटी का आशी धीरे धीरे बोल रही है ना, मेरी बेटी का तीर्थ का बता दो, तो बताया तो मैंने अपने ब्लॉग में। अच्छा आप बता दो जितनी बार। ओके आशी के तीर्थ में ना क्या हो रहा था कि वो गांव गई थी जब बनारस, तो वहां पर पता नहीं क्या खा लिया था, तो उसमें से उसके टिथ में से पेन होना स्टार्ट हुआ। पहले तो पेन हुआ, फिर वहां बनारस के जो हमारे होम टाउन के डॉक्टर है बनारस के, वहां लेके गए, वहां जब लेके गए चौबड़ में, हाँ ओके बता दिया, चौबड़ में जब वहां लेके गए तो वहां उन्होंने क्या किया कि हमारे पास 3 दिन का टाइम था, जिस दिन हमें निकलना था उस दिन उन्होंने कहा कि आपको पूरा तो हम कर नहीं पाएंगे, तो मतलब जो टेम्पररी होता है वो मैं फिल कर दे रहा हूँ, तो उन्होंने फिल कर दिया। पेन तो बंद हो गया, बस पस आना नहीं बंद हुआ, पस आ ही रहा था। फिर हम यहाँ के डॉक्टर को दिखाए, यहाँ के डॉक्टर ने बोला कि ऐसा है कि आपको रूट कैनाल करना पड़ेगा, तो उन्होंने एंटीबायोटिक दिया, एंटीबायोटिक से भी वो ठीक नहीं हुआ, नहीं होने के कारण फिर हम फिर गए। हम लोग सोचे कि एंटीबायोटिक से ठीक हो जाए, क्योंकि रूट कैनाल बहुत ही टफ प्रोसीजर होता है, खासकर बच्चों के लिए, उनको पेन होता है। हम बड़े हैं, हमें ठीक है, हमें हम सहन कर लेते हैं, बट बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिस बच्चों को होता है तो रूट कैनाल में तो होता ही है प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें इंजेक्शन भी देते हैं। तो उनसे हमने बात की, हमने बोला इंजेक्शन मत लगाइए आप, ऐसे ही आप करिए, जिससे कि उसको मतलब वो इंजेक्शन से आसी वैसे भी डरती है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने विदाउट इंजेक्शन लगाए ही किया प्रोसीजर, उसको पेन भी नहीं हुआ, नहीं पेन हुआ ना। तो अभी 2 दिन और जाना है, क्योंकि उन्होंने बोला 3 बार का ये होता है, इसके बाद आप कैप लगवाना चाहो, ये भी गीला है,
कैप अगर लगाना चाहते हो तो कैप लगवा लो, और नहीं लगाना है तब भी चलेगा। वैसे भी कैप सोच रहे ना लगवाए, क्योंकि कुछ दिन में तो उसके दांत गिरेंगे ही, क्योंकि चौबड़ भी गिरेगा ही। अभी ये 5 साल की हो गई है, वही 7-8-6 साल में दांत जाते हैं। अभी एक दांत गिर गया, सिकासी दिखाओ, हंसी का एक आगे का टित गिरा है अभी, अब बाकी सब वैसे की वैसे ही। अब 2 टित पीछे आ रहा था, जिसमें से एक टित गया, तो एक जो पीछे है वो आ जाएगा उस जगह पर। तो अभी हंसी भी परेशान है, मैं भी परेशान है। तो आप इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना ध्यान रखिए इस बारिश में। मौसम बहुत खराब चल रहा है, खासकर हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो बहुत खराब है। सुबह से ही बारिश जो हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब आप तो लेते ना मम्मा, तो फेरी को आने से मैजिक फेरी नहीं आती है बेटा, आती है। अभी मैं जा रही हूँ आशी को पढ़ाने, 3 बज गया, टाइम का पता नहीं चलता है, टाइम यूं निकल जाता है। तो 3 बज गया है, दोपहर का टाइम खत्म होने वाला है, 3 बज गया दोपहर का। तो अभी मैं जा रही हूँ आशी को पढ़ाने, और ये मैं कपड़े रख देती हूँ अंदर, मुझे कबर्ड भी सब साफ करना है। लेकिन जब तक मैं ठीक नहीं होंगी ना, अभी कुछ हाथ नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैंने लगाया अभी फिर तबीयत खराब हुआ वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इसलिए मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जब मैं प्रॉपर ठीक होंगी तब भी सब कुछ ठीक करूंगी। अभी सब कबर्ड वर्ड सब मुझे ठीक करना है, सब क्लीन करना है। किचन का भी बुरा हाल है, किचन भी क्लीन करना है। लेकिन जब तक मेरा तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं होगा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत झेल चुकी हूँ, ये पूरा महीना मेरा बहुत बेकार गया है। इसीलिए अभी मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, बस जो छोटा मोटा काम है वो कर रही हूँ, बाकी जो क्लीनिंग का काम है वो मैं नहीं करूँगी अभी, क्योंकि बहुत झेल लिया। अगर आपका तबीयत ठीक रहता है ना, आप एकदम मस्त रहते हो, कोई टेंशन नहीं है, जो मन है वो खाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। बट तबीयत खराब होता है, आप कहीं नहीं जा सकते। हमारी प्लानिंग थी जाने की, कहाँ जाने की थी आशी? लोनावला खंडाला जाने की प्लानिंग थी, क्योंकि हम अभी तक गए नहीं है, हम पुणे में रहते हैं, अभी तक गए नहीं है। लेकिन तबीयत खराब होने के कारण हमारा वहाँ जाना भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इस टाइम ही लोग कहते हैं घूमने लायक होता है वहाँ पर लोनावला खंडाला, क्योंकि बारिश के मौसम में ही लोग जाते हैं। बट हमारा क्या करे, कैंसिल हो गया प्रोग्राम, क्योंकि तबीयत से बढ़कर तो कुछ है नहीं, पहले शरीर फिर दूसरा काम। तो इसीलिए अभी इसी में परेशान है, घर में ही बैठे हैं और ब्लॉगिंग भी घर से ही कर रहे हैं, क्या करें, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए बस घर में ही जब टाइम मिलता है ब्लॉग बना पा रही हूँ। ये सब वेटेड है, तो ये मैं बाहर रखूंगी, और ये जो सूख गए हैं कपड़े इसको मैं अंदर रख रही हूँ। आशी आप क्या थिंकिंग कर रहे हो, आपको राइट करना चाहिए ना। तो मैं अभी ये कपड़े को जा रही हूँ फिर से डालने के लिए, क्योंकि ये सारे वेटेड कपड़े हैं, अभी जाऊंगी इसको सब वेटेड, हल्के हल्के गीले हैं, तो ये तो अंदर रखूंगी तो स्मेल आने लगी कपड़ों से, इसलिए इसको हटाऊंगी, जा रही हूँ कहीं डालती हूँ, क्योंकि आज के जो कपड़े थे वो बाहर डाल दिया है बालकनी में, तो अभी जगह बालकनी में बची नहीं है, तो देखती हूँ कहीं होगा तो डालती हूँ। और बहुत बारिश में कपड़े सुखाने की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलो मैं अपने इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन, मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, से बाय। आशी राइटिंग कर रही है अभी, फ्लावर्स ने, आशी प्लीज राइट।